हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में संबंधित वस्तु की मांग वाले चैप्टर में संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको चित्र द्वारा समझाएं या दर्शाएं, तो ये इस टॉपिक पर बात करेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। वे क्या करता है, वे करता है संबंधित वस्तु। मान लीजिए दो तरह का आपके वस्तु होते हैं, एक तो आपका होता है स्थानापन वस्तु, एक आपका होता है पूरक वस्तु। और स्थानापन वस्तु में आपका आता है चाय तथा कॉफ़ी आता है, और पूरक वस्तु में आपका होता है पेट्रोल तथा कार होता है। तो बच्चों क्या करते हैं, उन लोग ऐसा करते हैं ना कि चाय का ही मांग बकरे बनाते हैं, और उसकी कीमत में कमी ज़्यादा भी करते हैं। इस कारण आप लोग का बहुत बड़ा गलती हो जाता है, यानी टीचर आप लोग को मार्क्स नहीं देता है। तो किस कारण से आपको मार्क्स नहीं देता है, आपके क्या गलती करते हैं इस टॉपिक पर, तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले तो संबंधित वस्तु को जानेंगे। संबंधित वस्तु जो आपका होता है, वह आपका होता है दो तरह से। संबंधित वस्तु आपका कितना है, दो तरह से होता है। एक तो आपका होता है स्थानापन वस्तु, और एक आपका होता है पूरक वस्तु, स्थानापन वस्तु के क्या वस्तु, स्थानापन वस्तु वह वस्तु है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए चाय तथा कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत को स्थानापन वस्तु क्या है, स्थानापन वस्तु आपका वह वस्तु है जो एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे तो हम लोग कहते हैं स्थानापन वस्तु। अगर मान लीजिए चाय की कीमत में वृद्धि होगी, चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये स्थानापन वस्तु है। तो चाय की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो हम लोग कॉफ़ी के मांग में क्या करते हैं, कॉफ़ी के मांग में हम लोग कमी कर देते हैं। क्योंकि उपभोक्ता कैसे वस्तु है, उपभोक्ता को महंगी वस्तु की तुलना में सस्ती वस्तु चाहिए, तो कॉफ़ी उसको सस्ती में मिल रहा है, तो ये चाय की मांग नहीं करके वह किसकी मांग करेगा, कॉफ़ी में, सॉरी इसकी मांग में जो है आपकी वृद्धि हो जाएगी, इसकी मांग में आपका हो जाएगी वृद्धि। आप यहाँ पर देखिए, चाय की कीमत में अगर कमी होगी तो कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कॉफ़ी की मांग में भी आपकी कमी होगी। तो क्यों कमी होगी, तो ये समझाते हैं, अभी रुकिए। क्योंकि पहले जो उपभोक्ता कॉफ़ी पीते थे वे किधर चलाया जाएगा, चाय की तरफ। क्यों चलाएगा, क्योंकि चाय की जो कीमत है वह घट चुकी है, कॉफ़ी की कीमत जो उतना ही है, चाय की कीमत घट चुकी है, तो इधर किधर चलाएगा, वो चाय की ओर चला जाएगा, तो कॉफ़ी की मांग ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो यहाँ पर आपको कैसा संबंध दिख रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है प्रत्यक्ष संबंध। कैसा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, इसको हम लोग डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब क्या है कि ये सेम दिशा में जा रहा है, यानी अगर चाय की कीमत बढ़ रही है तो कॉफ़ी की मांग भी बढ़ रही है, चाय की कीमत घट रही है तो कॉफ़ी की मांग में घट रही है, तो इसे तो हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलेशन। अब पूरक वस्तु, पूरक वस्तु वह वस्तु है जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है, यानी एक दूसरे की कमी को जो है वो पूरा करता है, उसे तो हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कार, यहाँ पर इस तरह खींच दीजिए, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल मान लीजिए। जैसे कार की अगर कीमत में वृद्धि होगी तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि कार जो है वह अभी कीमत में वृद्धि हो गया, यानी लोग जो है कार खरीदना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि कार की कीमत में वृद्धि हो गया, हम लोग कार नहीं खरीद पा रहे हैं, तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पेट्रोल अगर कार लोगों के पास नहीं होगा तो पेट्रोल की मांग कहाँ से होगी, उसको ऑटोमेटिकली कीमत मांग जो है घट जाएगी। आप मान लो कार की कीमत में जो है आपकी कमी होगी, उसकी कीमत में कमी होगी, तो पेट्रोल की मांग में क्या हो जाएगी, पेट्रोल की मांग में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि हो जाएगी, तो अभी समझाते हैं। क्योंकि कार लोग ज़्यादा आप खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, क्योंकि कार की कीमत में जो है कमी हो चुकी है, तो लोग जो है कार खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, और कार आप लोग का ज़्यादा डिमांड होगा,
पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि कार अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कार तो इससे चलेगा नहीं, तो इसके लिए पेट्रोल की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो कार की मांग की पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना कैसा रिलेशन दिख रहा है, विपरीत संबंध दिख रहा है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर है आपका प्रत्यक्ष, यहाँ पर है आपका विपरीत। अब चलिए आपको दिखाते हैं मांग वक्र द्वारा। तो सबसे पहले और एक बात नोटिस कीजिएगा, अगर चाय का अगर मांग वक्र आप बनाते हैं तो कॉफ़ी की कीमत कम या ज़्यादा करेगा। इसी तरह से अगर कार का मांग वक्र बनाते हैं तो पेट्रोल की कीमत में कमी या ज़्यादा करिएगा। तो चलिए हम लोग चाय की कीमत में कमी या वृद्धि करते हैं, चाय की कीमत में कमी या वृद्धि करेंगे। तो चलिए मांग वक्र पहले तो सिंपल बना लेते हैं। तो मांग वक्र जो है आपका कुछ इस तरह से बनता है, चलिए इधर वाला भी बन जाएगा तो इस जगह रख लेते हैं। मांग वक्र आपका कुछ इस तरह से बनता है, इधर आपका होता है एक्स एच, इधर आपका होता है वाई एच। आप मान ले यहाँ पर आपका होता है जीरो। अब डी डी आपका कुछ इस तरह से बनता है, डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरह से बनता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बता चुके हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हम लोग किसका बना रहे हैं, चाय की कीमत में कमी या वृद्धि कर रहे हैं, तो किसका बनाएंगे, कॉफ़ी की। तो यहाँ पर मांग लीजिए कॉफ़ी की मांग लिख लीजिए, और इधर लिख लीजिए कॉफ़ी की प्राइस। इधर हो गया आपके कॉफ़ी की प्राइस। आप मान लीजिए जब कॉफ़ी की कीमत 100 रुपया थी, कॉफ़ी की जो कीमत है वो 100 रुपया है, तो आप कितनी मांग कर रहे हैं, ओ क्यू मांग कर रहे हैं। तो इसके मांग में क्या कर रहे हैं, तब आप ओ क्यू मांग कर रहे हैं। जब कॉफ़ी की कीमत 100 रुपया तब तो ओ क्यू मात्रा मांग कर रहे हैं। जब चाय की कीमत जो है आपका है 80 रुपया, यानी मान लो 8 रुपया है, 8 रुपया पर केजी है, 8 रुपये पर केजी है, तब तो आप इस कितना मांग कर रहे हैं कॉफ़ी की, ओ क्यू मात्रा। जब चाय की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो कॉफ़ी की मांग में क्या हो जाएगी, कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है चाय पीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि चाय की कीमत में आप 8 रुपये से बढ़कर मान लो 10 रुपया हो गया, तो आप किधर किसकी मांग करेंगे, कॉफ़ी की मांग करेंगे। तो अगर मांग में वृद्धि होगी तो मांग किधर शिफ्ट हो जाता है, मांग वक्र जो है वो दाएं ओर शिफ्ट हो जाता है, किधर, दाएं ओर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और एक नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये डी डी से डी डी वन हो गया, यहाँ पर देखिए ई टू मान लीजिए, ई वन मान लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कॉफ़ी की कीमत में कोई वृद्धि या कमी नहीं हुआ, ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि चाय की जो है कीमत मान 10 रुपया से 8 रुपये से बढ़कर 10 रुपया पर केजी हो गया, तो इसके कारण आपका मांग वक्र दाएं की ओर शिफ्ट हो जाता है, किधर शिफ्ट हो जाता है, दाएं की ओर। आप चाय की जो कीमत है आपका घट कर होगी 8 रुपये से घट कर होगी मान लो 6 रुपया, तो इसकी कॉफ़ी की मांग में क्या हो जाएगी, कॉफ़ी की मांग में जो है आपकी कमी हो जाएगी, और मांग वक्र जो है आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ यहीं पे रखिएगा मांग वक्र का, ज़्यादा नीचे खींचिए, इसको मान लो D2 मान लीजिए। अब आपका मांग वक्र किधर, बाएं की ओर शिफ्ट हो जाता है, क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि चाय की जो कीमत है वह क्या हो गई है, घट गई है, कितना, 6 रुपया पर केजी हो गया है, 6 रुपया पर केजी जो है पर केजी हो गया है। तो कॉफ़ी की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है पहले जो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते थे वो आप क्या पीना पसंद करेंगे, वो आप चाय पीना पसंद करेंगे, क्योंकि चाय की कीमत में अब कमी हो चुकी है, तो कॉफ़ी की मांग में क्या हो गया, कमी हो गया, जबकि कॉफ़ी की कीमत उतना ही है। और किधर से कितना मात्रा खरीदेगा वे, ओ क्यू टू हो गया, और इधर बढ़ा था तब ओ क्यू वन हो गया था। तो आपको मांग में इस तरह से पूछ सकता है कि मांग में परिवर्तन होने पर मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको इस तरह से एग्जाम पूछेगा तो आप इस तरह से लिख देंगे, पहले तो लिखेंगे कि जब जब चाय की कीमत 8 रुपया थी तब हम लोग
कॉफ़ी की मांग, जब कॉफ़ी की कीमत 100 रुपया थी तो कॉफ़ी की मांग और क्यों करते थे, जब चाय की कीमत बढ़कर 100 रुपया हो गई तो हम लोग कॉफ़ी की मांग में वृद्धि कर दिए और ओक्यू मात्रा से बढ़कर ओक्यू ऑन हो गया। ठीक उसी तरह अगर चाय की कीमत में कमी हो गई तो हम लोग कॉफ़ी की मांग में क्या कर दिए, कमी कर दिए और ओक्यू मात्रा से घटकर ओक्यू टू हो गया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। तो चलिए आपको आप दिखाते हैं इसका कार और पेट्रोल पूरक वस्तु का दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कार और पेट्रोल। तो मान लीजिए पेट्रोल की कीमत में कमी या वृद्धि करेंगे, पेट्रोल की कीमत में कमी या वृद्धि, आप मान लीजिए आपका मांग वक्र किस तरह से बनता है। आपका मांग वक्र जो है आपका कुछ इस तरह से बनता है, मांग वक्र आपका कुछ इस तरह से बनता है। अभी थोड़ा बड़ा बनाएंगे ठीक है, साफ साफ दिखे। जब हम लोग पेट्रोल की कीमत में कमी बेसी कर रहे हैं तो हम लोग किसके बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे कार का डिमांड कर्व, कार की मांग। अरे यहाँ पर लिखेंगे कार की प्राइस, पी लिख दूँ कार की प्राइस। आप जब कार जो है आपका 5 लाख रुपया है, जब कार आपका 5 लाख रुपया है या 8 लाख मान लीजिए, 5 लाख में नहीं मिलेगा कार अभी, 8 लाख रुपया है, ये 8 के हो गया लाख, 8 लाख रुपया है, तब आप जो है कितना डिमांड कर रहे हैं। अब डिमांड कर्व का आपको कुछ इस तरह से बनता है। तो पहले चलिए डिमांड कर्व बना लेते हैं। आप मांग कर रहे हैं ओ क्यू मात्रा, कितना मांग कर रहे हैं ओ क्यू मात्रा, इसको तो मैं नाम दे दीजिए क्यू, इसको 0, कितना मांग कर रहे हैं ओ क्यू मात्रा। जब पेट्रोल की कीमत कितनी है, जब पेट्रोल की कीमत जो है 80 रुपया है, 80 रुपया प्रति लीटर है पेट्रोल की कीमत। आप पेट्रोल की कीमत मान लो बढ़कर 80 से 100 रुपया हो गया तो कार की मांग में क्या हो जाएगी, कार की मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि लोग पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई तो लोग कार तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कार जो है आप महंगी हो चुकी है। तो कार की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कार का जो है डिमांड कर्व किधर, बाएँ को शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, बाएँ की ओर, डी डी से डी डी वन हो जाएगा, बाएँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मान लीजिए ई था, ये आपका हो गया ई वन हो गया, ए से ई वन हो गया। जब पेट्रोल की कीमत में क्या हो गई, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ गई आपका कितना हो गया, 100 रुपया प्रति लीटर हो गया, कितना हो गया 100 रुपया प्रति लीटर। आप मान लीजिए ये केस क्यों हुआ, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के कारण मांग वक्र बाएँ को शिफ्ट हो गया, किसका, कार का, और कार के जो मांग में है वे क्या हो गए, घटकर ओ क्यू से ओ क्यू, आपका ओ क्यू से घटकर क्या हो गया, ओ क्यू वन हो गया, ओ क्यू से घटकर ओ क्यू वन हो गया, यानी कार की मांग में कमी हो गई। आप यहाँ पर एक बार नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर जो है कार की कीमत जो है आपकी 8 ही लाख रुपया है और आपकी मांग में कमी हो गई, किसके कारण हुआ, ये आपका हो गया पेट्रोल के कारण। पेट्रोल के कारण क्यों, पेट्रोल की जो है कीमत बढ़ चुकी इसलिए कार की मांग में कमी हो गई। आप चलिए देखते हैं अगर पेट्रोल की कीमत में अगर कमी हो जाएगा, यानी 80 रुपये से घटकर 60 रुपया हो जाता है, तो कार की मांग में क्या हो जाएगी, कार की मांग में ऑटोमेटिकली वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आप उपभोक्ता कार में वृद्धि करेगा, क्योंकि पेट्रोल जो है सस्ती हो चुकी है, उपभोक्ता जो है कार की मांग जल्दी तेज़ी तेज़ी से करेगा, यानी जल्दा ज़्यादा मांग करेगा। तो मांग वक्र आपका किधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर वृद्धि होता है तो किधर करते हैं, दाएँ को शिफ्ट करते हैं, ये डी डी से किधर हो जाएगा, डी डी टू, डी डी टू। आप यहाँ पर एक देखिए किधर हो गया आपका, यहाँ से बढ़कर यहाँ हो गया, यानी ओ क्यू मात्रा से आपका बढ़कर ओ क्यू टू हो गया, ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू टू हो गया। और ये आपको मान लीजिए ई टू नाम दे दीजिए, किधर शिफ्ट हो गया, दाएं की ओर। क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आप जो है पेट्रोल की कीमत कितना है, 60 रुपया हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है, तो तब कार की मांग में जो है वृद्धि हो गई और मांग वक्र जो है दाएँ की ओर शिफ्ट हो गया, डी डी से डी डी टू हो गया। और आप अब कितना मांग कर रहे हैं, ओ क्यू मांग से बढ़ाकर ओ क्यू
ओ क्यू टू कर दिए, ओ क्यू मांग मात्रा से बढ़ाकर ओ क्यू टू कर दिए। तो आपका इसमें भी पूछ सकता है कि मांग में परिवर्तन, अगर मांग में आपको परिवर्तन पूछता है तो आपको तो कमी या वृद्धि दोनों का दिखाना होगा। अगर मांग में आपको सिर्फ वृद्धि पूछता है तो आप सिर्फ वृद्धि वाला दिखाएगा, अगर मांग में कमी पूछता है तो कमी वाला दिखाएगा। कीमत में कमी होगा तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आपको उसको दिखाना होगा, और कीमत में अगर वृद्धि होगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसको दिखाना होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अगर इसकी मांग पेट्रोल के ही कीमत में कमी वृद्धि कर रहे हैं और इस पेट्रोल का ही मांग मकर बना दिए हैं, तो वहाँ पर आप समझ लें कि आप गलत कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं होगा। उसी की कीमत में वृद्धि होगी और इसी की मांग में कैसे होगी, जब संबंधित वस्तु, और वहाँ पर जो है आपका मार्क्स कट जाएगा, आपको टीचर जो है नंबर नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि क्यों नहीं देंगे, क्योंकि टीचर का लगे कि ये जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं, और इस तरह से आपको मांग टीचर जो है आप लोग को नंबर नहीं देता है, इस तरह से आपको नंबर काटता है। और आपको लगता है कि हम सही से बना के आते हैं, हमको टीचर देते नहीं नंबर, हमसे टीचर का क्या दुश्मनी है। तो आप अगर कंसेप्ट को पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप वहाँ पर भी गलत नहीं करेंगे और आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। और अगर आपको कुछ वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता ना गाइस, हमको समझ में आता है कि आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से तुम लोग को बताने के लिए प्रिपेयर करूँ और आप लोग को इससे और अच्छा बताने के लिए मेहनत करें। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।